भारत एक कृषि प्रधान देश हेले चाष और चाषी सेतटा आखिदृशिया पदक्षेप निया नहीं। आज भी चाषी तार फसल बिक्री नाना समस्या सम्मुखीन होउछि। सर्वनिम्न सहायक मूल्य बा एमएसपी सत्वे फसल बिक्री नहीं आज भी समस्या लागि रहिछि। आईनगत भाव कार्यकारी होइनथबारु एमएसपी एक कागज भागरे परिणत होइछि। क्षुद्र चाषी नगद अर्थरे आवश्यकता थिबा बेले सेमाने अधिक समस्यार सम्मुखीन होउछन्ती। मार्केटिंग रे मध्य दलाल सक्रिय अछन्ती। सेपटे मोटामोटी भाव कहिबाकु गले एमएसपी व्यवस्था राज्यगुड़िक विभिन्न स्तर में कार्यकारी होइछि सत, किंतु चाउल गहम सीमित अछि। राज्य में टोकन बजार उपयुक्त फलाफल देना केवल चाषी ही क्षति सही। अधिकांश कृषक असंगठित होइथिबारु सेमानकर समस्या लोकलोचन को भी आसीपारे। तबे कृषक मानकर निर्भरशीलता को सुधारिबा पई फसल विविधीकरण करिबाकु हेबो। पंजाब रे मध्य धान चाष जोगु भूतल जल जथेष्ट ह्रास पाउछि। तबे संप्रति आंदोलनकारी कृषक मानंकु एक योजना प्रस्ताव दिया जायछि जेउथरे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनएएफईडी एवं एनसीसीएफ भली संस्था माने कृषक मानक सह चुक्तिनामा स्वाक्षर करबा परे 5 वर्ष पई सर्वनिम्न सहायता मूल्य रे कपा डाली और मका फसल किणवे। यह सठिक दिगरे एक पदक्षेप बोली मन हुए। जदिओ कृषक माने यहाकु ग्रहण करिनाती ए धारणा को उभय पक्ष आलोचना करी समाधान रास्ता खोजिबा उचित। सेहिपरि कृषि क्षेत्र को अधिक क्रियाशील करबा को बड़ बड़ घर युद्ध किभली मनोनिवेश करिबे से दिगरे मध्य सरकार जत्नवान हेबार आवश्यकता रहिछि। दिनलिपि लाइव सहित जोड़ी हो रुंतु आज ही आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं अधिक खबर जानिबा पाई पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु।